गुण ग्राह्यता, गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति। यदि कोई आदमी मोहल्ले और गांव भर की गंदगी बटोर कर अपने घर में ले आए तो उसका घर गंदगी से भर जाएगा, और यदि वही आदमी फूलों को चुन चुन करके ले आए तो उसका घर सुगंध से भर जाएगा। यही बात जीवन के लिए है। दुनिया में जो मनुष्य हैं उनमें सद्गुणी भी हैं और दुर्गुणी भी हैं। हमें लोगों से ग्रहण क्या करना है, सद्गुण ग्रहण करना है या दुर्गुण ग्रहण करना है? हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें भी कुछ न कुछ अच्छाई है, बहुत कुछ बुराई है। ऐसे हर आदमी को समझना चाहिए, लेकिन आदमी की प्रवृत्ति प्रायः लोगों की बुराई देखने की होती है, लोगों से गलत प्रेरणा लेने की होती है, लोगों के गलत उदाहरण देने की होती है। किसी को अच्छा काम करते देखकर स्वयं वैसे ही अच्छा काम आदमी नहीं कर पाता, प्रेरणा नहीं ले पाता, लेकिन किसी को गलत काम करते देखकर वैसा ही आदमी बहुत जल्दी करने लग जाता है, गलत प्रेरणा लेता है। और गलत प्रेरणा लेते लेते उसका जीवन भी गलतियों से भर जाता है। यदि हम दूसरों के सद्गुणों को देखते रहें और उनका अनुकरण करते चले जाएं तो हमारा जीवन सुख शांति प्रसन्नता से भर जाएगा। इसके विपरीत हम दूसरों के दोषों को गलतियों को देखते रहें और उनका अनुकरण करते चले जाएं तो हमारा जीवन भयंकर मानसिक पीड़ा, क्लेश, संताप, अशांत, दुख से घिर जाएगा। हम चाहते क्या हैं? सद्गुरु कबीर तो नहीं, सभी संत कहते हैं कि आदमी को दूसरों के सद्गुण ही देखना चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति गलत है। ये समझना होगा कि दूसरा हमें गलत कहता है, इसके कारण हम दुखी नहीं हैं। हम दुखी इसलिए हैं कि हम गलत हैं। जितनी मात्रा में हमें गलती होगी उतनी मात्रा में हम दुखी होंगे। तो अपनी गलती को
हम समझने का प्रयास नहीं करते और दूर करने का प्रयास नहीं करते। कोई कुछ गलत कह देता है, बस हम गाल फुला लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, उन्होंने हमें ऐसा कहा। उसे कहने से हम दुखी नहीं हो रहे हैं, हमारे भीतर कमजोरी है, गलतियां हैं, बुराइयां हैं, उसके कारण से दुखी है। यदि हम में बुराई ना हो तो हम दुखी होंगे ही नहीं, चाहे लोग हमें जितना भी बुरा और गलत कहते रहें। जो सज्जन हैं, संत हैं, साधक हैं, जिन्होंने अपने दोषों को दूर कर लिया है या जो अपने दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे किसी के कहने से दुखी नहीं हो सकते। सब लोग अच्छा कहें, इसमें हमारी क्या सुव्यवस्था है। खास बात है यहां पर गुण ग्राहकता, गुणों को, अच्छाइयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। बिहार में हम सब जानते हैं आदमी मिट्टी से सोना निकाल लेता है और क्या क्या नहीं निकाल लेता है। ऐसे ही दूसरों के जीवन से अच्छाई, यदि उसमें बुराई भी है तो उसमें अच्छाई भी हो सकती है, उसको निकाल लें। सोने की जहां खान होती है उसमें केवल सोना ही सोना थोड़े भरा होता है। मिट्टी, पत्थर, कंकड़ भी बहुत होते हैं, सोना तो बहुत थोड़ा होता है। मिट्टी कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आदमी समझता है कि सोना मूल्यवान है, बाकी छोड़कर सोना निकाल लेता है। ऐसे ही आदमी गुण ग्रहण कर ले तो काम बन जाए। जितनी मात्रा में चावल का, धान का डंठल होता है, क्या उतने मात्रा में धान होता है? पुआल जितना होता है धान उतना कहाँ होता है, लेकिन आदमी पुआल छोड़ता है और धान ले लेता है। ऐसे और तो ऐसे ही जो विवेकवान होते हैं वो हर जगह से अच्छा लेते हैं। साहब ने इसलिए कहा, सार सार को ग्रही रहे, थोथा दे उड़ाए। पढ़ते हैं हम, समझते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, दूसरों को समझाते हैं, लेकिन स्वयं जीवन में आचरण नहीं कर पाते। हमारे भटकने का, दुखी होने का, अशांत होने का यही कारण है। और जो लोग ग्रहण ग्रहण करने वाले होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो केवल हर जगह बुराई ही बुराई, केवल बुराई ही देखते रहते। बुराई दिखाई पड़ती है तो उसकी नकल मत करो, अलग हट जाओ। उसको देख करके फैलाते रहने की आवश्यकता क्या है? लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की बुराई देखने और उस बुराई के अधिक से अधिक प्रचार करने की प्रवृत्ति होती है। नारकी बन जाता है जीवन। सद्गुण देख करके सद्गुणों का प्रचार करना ये आदमी नहीं कर पाता।
दिखाई भी पड़ जाए सद्गुण तो दूसरों से चर्चा नहीं करेगा, देखो आदमी बड़ा सज्जन है, सदाचारी है, सेवा परायण है, लेकिन एक बुरा दिखाई पड़े तब उसकी उसका बहुत प्रचार, दृष्टि गलत है। अक्सर लोग आजकल कहते हैं भैया कलयुग का जमाना है, आज कलयुग के जमाने में सच्चे संत, सच्चे गुरु, सच्चे महात्मा, सच्चे त्यागी कहां मिलेंगे? आज भी सच्चे संत हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे वैराग्यवान हैं, सच्चे महात्मा हैं, हमारी दृष्टि गलत तो दिखाई कैसे पड़ेंगे? मान लो चलो आज अच्छे संत महात्मा नहीं है, गुरु नहीं है, पहले थे तो तुम मर गए, अब वो काम आएंगे पुराने वाले लोग कि आज हमें खोज करना है, लेकिन उन्हें वर्तमान में केवल असंतोष असंतोष गलती ही गलती दिखाई पड़ती, सारी अच्छाइयां उन्हें दिखाई पड़ती है भूत में। अरे भूत काल चाहे जितना अच्छा रहा हो मुर्दा हो गया है, कितना गुण गाओ उसका। तो आज भी अच्छे संत हैं, हर जगह है, हम अच्छे हैं या नहीं पहले ये सोचना चाहिए। संतों को परखने की दृष्टि हमारे पास है या नहीं है, अच्छे संत दुनिया में नहीं है, अच्छे संत का अभाव है, तो स्वयं अच्छा बन जा संत, स्वयं अच्छा संत बन जा, कम से कम एक तो हो रहेगा ना दुनिया में। दुनिया में एक भी अच्छे संत नहीं है तो स्वयं बन जाओ तो एक तो हो जाएगा गिनती भर के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं करेगा आदमी, क्योंकि वो शक्ति ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। आज भी अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन अच्छे लोगों का प्रचार नहीं होता, बुरे लोग थोड़े हैं और उनका प्रचार हो जाता है। आज भी सच्चे संत त्यागी वैरागी हैं, लेकिन वो प्रचार से दूर, हल्ला गुल्ला दिखावा से दूर। ज्यादातर दिखावा तो जो गलत होते हैं वही लोग करते हैं, नकली माल का विज्ञापन ज्यादा करना पड़ता है, माल चाहे जितना नकली हो पैकिंग बढ़िया कर दो खूब बिकेगी, और लोगों को पैकिंग पसंद है। आज भी अच्छे लोग हैं, हम ग्रहण करना क्या चाहते हैं ये देखना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है नग पसान जग सकल है पारक बिरला को, दुनिया में नग और पाषाण, अच्छाई और बुराई सर्वत्र है, लेकिन बुराई को छोड़कर अच्छाई ग्रहण करने वाला कोई कोई है। गुणिया तो गुणी कहे निर्गुणिया गुणे घिनाए बैले दीजे जाए फिर क्या बुझे खाए खाए। जो गुणी है गुण जिनमें गुण ग्रहण करने की बुद्धि है वो सब जगह से गुणों को ही ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो निर्गुणी व्यक्ति है वो गुण को भी अच्छाई को भी बुराई समझने लग जाता है। सदगुरु कहते हैं बैल को जायफल दे दो तो क्या बूझेगा और क्या खाएगा। बैल के सामने जाकर घंटा भर जायफल के गुणों की प्रशंसा करते रहो, इसमें ये गुण है उसमें वो गुण है, तो उस क्या समझेगा। ऐसे ही निर्गुणिया आदमी गुणों को क्या समझेगा, उसे तो गुणों से ही घृणा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं
सद्गुणी आदमी सौभाग्यशाली, वो हर जगह से सद्गुण ग्रहण कर करके अपना कल्याण का काम कर लेता है। प्रसंग 66, लघुता और विनम्रता एक ही है दोनों, लघुता विनम्रता। किसी भी प्रकार का पद पाकर या किसी प्रकार की योग्यता पाकर आदमी प्रायः विनम्र नहीं रह पाता, अहंकारी बन जाता है, अहंकार से भर जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की योग्यता हो, धन हो, पद हो, रूप हो, जवानी हो, विद्या हो, बुद्धि हो, चतुराई हो, लेखन प्रवचन की शक्ति हो, या कोई अन्य कला निपुणता हो, कुछ भी योग्यता आए, तो आदमी उससे अपने को जोड़ करके बड़ा बनवा लेता है, विनम्र नहीं रह पाता, अकड़बाज अहंकारी बन जाता है। और जिनको लेकर के आदमी अपने को बड़ा मानता है, एक दिन देखते देखते उनका विनाश हो जाता है। उनमें से कुछ रहने वाला नहीं होता। दूसरों को देखता है आदमी, दूसरे का धन नष्ट हो गया, दूसरे का पद छिन गया, दूसरे की जवानी चली गई, दूसरे का रूप कुरूप हो गया, दूसरे की प्रतिष्ठा खत्म हो गई, ऐसे मेरी भी प्रतिष्ठा, मेरी ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, ये समझ नहीं पाता। मान लेता है मैं सदा रहूंगा और मेरा अधिकार, मेरा पद, मेरी विद्या बुद्धि, मेरे पद प्रतिष्ठा सब ऐसे बरकरार रहेंगे। फिर आदमी अपने को बड़ा मानकर दूसरों को तुच्छ हीन नीच मानने लग जाता है, और यह अपने पतन का कारण है। जिन चीजों को लेकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को लेकर हम अपना पतन कर लेते हैं। अहंकार सदैव आदमी को जलाता है, सदैव जलाता है। अहंकार की आग में आदमी को जलना पसंद है, लेकिन सरल बनकर, विनम्र बनकर, शांति से जीना पसंद नहीं होता। बड़े बड़े अहंकारी आए, सदगुरु कबीर ने बीजक में अनेकों का नाम लिया है। इतिहास में हम देखते हैं, जरासिन शिशुपाल संहारा, सहस्र अर्जुन, छल सो मारा, बड़सर रावण, सो गीति, लंका हर कंचन की भीति, दुर्योधन अभिमानी गयु, पांडव के मरम नहीं पयु, और भी अनेक लोगों का नाम लिया है। गए बेन बलि गए कन, दुर्योधन को बूढ़ो बन, कितनों कितनों का नाम लिया है। आज भी हम देखते हैं, प्रेरणा कहाँ ले पाते हैं, शिक्षा कहाँ ले पाते हैं। जानते हैं कि सरलता विनम्रता यही उन्नति का पथ है, सरलता विनम्रता यही शांति का पथ है, यही साधना का पथ, कल्याण का पथ है, लेकिन हम सरल नहीं रह पाते, विनम्र नहीं रह पाते। थोड़ा सा भी कुछ आया बस अहंकार से भर गया। कल तक जब तक पद नहीं मिला था,
अधिकार नहीं मिला था। तो जो आदमी सबके सामने सिर झुका रहा था, सबके सामने हाथ जोड़ रहा था, आज पद मिल गया, अधिकार मिल गया, तो अब चाहता है कि सब लोग मेरे सामने सिर झुका दें, सब लोग मेरे सामने हाथ जोड़े। जरा सा पद मिला, कल तक जब तक पद नहीं मिला था तो गले की नस ढीली हो गई थी, सिर झुका झुका था, आज पद मिल गया तो एकदम टाइट हो गया है, नस अकड़ गया, झुकना बंद। ये हर जगह है, चाहे गृहस्थों में देखो, चाहे साधुओं में देखो, जहां विवेक है वहां हर जगह है। कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, झुकने वाला ही ऊपर उड़ता है, लेकिन झुकना भी ईमानदारी पूर्वक हो, चतुराई पूर्वक नहीं। ऐसे झुकते तो हैं, साहब ने कहा है साखी ग्रंथ में, नमन नमन बहु अंतरा, नमन नमन बहु बान, ये तीनों बहुते नमे चीता चोर कमान, तो नम्रता कोई फल नहीं है, कोई फायदा उससे नहीं होगा। साहब ने साखी ग्रंथ में और कहा है, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूर। लघुता से प्रभुता मिलती है, प्रभुता से प्रभु दूर हो जाता है। प्रभु दूर होने का मतलब लोग मानते हैं भगवान दूर हो, शांति सुख प्रसन्नता दूर हो जाना, ये प्रभु दूर हो जाना है। धूल में मिली हुई चीनी को चींटी ही चुन सकती है, हाथी नहीं चुन सकता। हाथी है तो बहुत बड़ा, लेकिन धूल में मिली चीनी को हाथी ले नहीं सकता, चींटी ही लेगी। ये हम जानते हैं, कहते भी हैं, आचरण कितना करते हैं ये महत्व की बात है। किसका अहंकार? तो चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, किसी भी दिशा में आगे बढ़ना है तो विनम्रता, लघुता, ये कारण है। साहब ने आगे कहा है इसमें ही, सबते लघुता भली, लघुता ते सब होए, जद द्वितीया का चंद्रमा शीश नावे सब कोय। द्वितीया का चांद कितना झुका हुआ होता है, कितना छोटा, कितना हल्का, उसे सब लोग प्रणाम करते हैं। पूर्णिमा का चांद पूरा खिला हुआ होता है, पूरा भी होता है, उसे लोग प्रणाम नहीं करते, उदाहरण है। द्वितीया के चांद का अपना महत्व है, पूर्णिमा के चांद का अपना महत्व है। द्वितीया के चांद का उदाहरण इसलिए दिया गया है, द्वितीया का चांद झुका होता है, लेकिन रोज रोज उसकी कला बढ़ती जाती है, उसकी पूर्णता बढ़ती जाती है, प्रकाश बढ़ता जाता है, धीरे 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 वह पूरा हो जाता है। और पूर्णिमा का चांद दूसरे दिन से घटना शुरू हो जाता है। पूरा होने के बाद स्वस्थ रहना, संयमित रहना, ये बहुत वीरता का काम है। तो जो बलवान होगा, भीतर से ठोस होगा,
वही विनम्र होगा, और जो भीतर से ठोस नहीं बलवान नहीं वो विनम्र नहीं हो सकता। वो तो थोड़ा कुछ भी मिला बस मान ली मेरे समान कौन। वो कहते हैं ना कि किसी घर में चूहे को हल्दी की एक छोटी सी गांठ मिल गई तो समझ लिया कि मैं भी किसी पंसारी से कम नहीं हूं। बस यही बात है, बस थोड़ा कुछ मिला मार अहंकार में चूर, तो परिणाम क्या होता है? कुछ दिन में पतन। पानी बरसात के दिन में बरसता है सब जगह, टिकता कहां पर है? जहां गहराई होती है, जहां ऊंचाई है, जहां कड़ापना है वहां पानी नहीं टिकता है। जहां जितनी ज्यादा गहराई होगी वहां पानी उतना ज्यादा टिकेगा, जहां जितना उथलापना होगा पानी उतना कम टिकेगा। बस ऐसे ही है, जिस आदमी में जितनी अधिक गहराई होगी सद्गुण वहां उतने ज्यादा टिकेंगे, और जितना ज्यादा उथलापना होगा अहंकार होगा सद्गुण वहां टिक नहीं सकता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं लघुतापन लघु बनो। गोस्वामी जी ने कहा है अति ऊंचे भूधरिन पर भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद ईख अन्न और पान। अति ऊंचे भूधरिन पर, ऊंचे जगह पर भुजगन सर्पों का निवास होता है और सांप जहरीला, लेकिन तुलसी अति नीचे सुखद जहां गहराई है कोमलपना है वहां पर ईख अन्न और पान, गन्ना पैदा होता है अन्न पैदा होता है पीने को पानी मिलता है। ये जमीन के लिए नहीं है उदाहरण, प्रेरणा शिक्षा हम लोगों के लिए है। सद्गुरु कबीर कहते हैं विनम्र बनो, गुण ग्रहण करने की बुद्धि रखो। जो विनम्र होगा वही किसी से गुण ग्रहण करेगा, अहंकारी क्या करेगा गुण ग्रहण करने, और जो विनम्र है वही अपना कल्याण कर सकता है, अहंकारी आदमी कल्याण नहीं कर सकता। अहंकार महारोड़ा है, संदर्भ 67वां, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ माना जाता है काम वासना काम क्रिया का त्याग, लेकिन इतने में ही ब्रह्मचर्य सीमित नहीं, ये तो है, लेकिन स्थूल रूप से कोई काम भोग नहीं करता काम क्रिया नहीं करता, मन में काम चिंतन है काम वासना है तो कहां ब्रह्मचर्य हुआ फिर। स्थूल क्रिया का भी त्याग होता है, लेकिन स्थूल क्रिया का स्थायी त्याग तब होगा जब मानसिक क्रिया का त्याग होगा, मन से वासना का त्याग होगा। वैसे ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? अनेक बार कहा गया है ब्रह्म और चर्य ये दो अलग अलग शब्द हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ महान बड़ा, चर्य का अर्थ होता है विचरण करना। ब्रह्म में विचरण करना ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म क्या है, श्रेष्ठ क्या है? अपना आपा, हर व्यक्ति का अपना आपा ब्रह्म है, श्रेष्ठ है। चर्य
उसमें विचरण करना, स्थित होना, बाहर से मन को लौटाकर अपने आत्मा में लीन कर लेना, आत्मस्थित हो जाना, यह वास्तविक ब्रह्मचर्य है। आत्मभाव में मन का लीन रहना, आत्मचिंतन में मन का डूबे रहना, यह ब्रह्मचर्य है। लेकिन ये तो लक्ष्य हुआ, क्या ऐसे ही आदमी आत्मलीन हो सकता है, अपने आत्मा में ब्रह्म स्थित हो सकता है, ब्रह्म में विचरण कर सकता है? उसके लिए कोई साधन होगा। तो ब्रह्म बड़ा श्रेष्ठ, चर्य आचरण, बड़ा आचरण, श्रेष्ठ आचरण, यह ब्रह्मचर्य है। और श्रेष्ठ आचरण क्या है? अपने तन मन वचन पर संयम रखना, अपने तन मन वचन को विचलित न होने देना, यह ब्रह्मचर्य है, यह बड़ा आचरण है। संयम तन से, मन से, वचन से पूर्ण संयम का पालन, यह ब्रह्मचर्य। जो आदमी अपने आप पर जितना अधिक संयम करेगा, वह आदमी उतना सुख से, शांति से, प्रसन्नता से जीवन जी सकेगा। और जिस आदमी में जितना ही संयम का अभाव है, वो आदमी भीतर से उतना एकदम अशांत, पीड़ित, दुखी बना रहेगा। किसी भी प्रकार की लंपड़ता आदमी में है, खाने की लंपड़ता, देखने की लंपड़ता, काम भोग की लंपड़ता, उतना अंदर से आदमी विवश, दीन, मलिन, कमजोर बना रहेगा। तो ब्रह्मचर्य बड़ा आचरण, पहले कहा गया कि ब्रह्मचर्य मतलब काम वासना और काम क्रिया का त्याग, स्थूल अर्थ यही है, अब यह है भी, लेकिन स्थूल क्रिया का त्याग है, मानसिक क्रिया का त्याग नहीं है, तो काम नहीं बनेगा। मनसा वाचा कर्मणा, वासना का त्याग, तब ब्रह्मचर्य का पालन हो सही ढंग से हो सकेगा। मन, वाणी, इंद्री, तीनों में, तीनों से विषय शक्ति का पूर्ण त्याग, यह असली ब्रह्मचर्य है। आदमी जीवन भर पूर्ण संयम से नहीं रह पाता, कुछ लोग हैं जो रहते हैं, बहुत थोड़े, सभी लोग जीवन भर पूर्ण संयम से नहीं रह पाते, तो विवाह करके रहते हैं। विवाह का अर्थ स्वच्छंदता पूर्वक भोगों में डूबे रहना नहीं है, किंतु वहां भी संयम पूर्वक जितना बन सके भोगों का सेवन होता है। आदमी इस मामले में सबसे कमजोर है। जानवर एक नर मादा एक दूसरे संबंध तभी करते हैं जब उनके प्रजनन का समय आता है। मादा पशु गर्भवती होना चाहती है तो नर पशु उसको गर्भाधान कर देता है, बस फिर दोनों साथ साथ रहते हुए भी कोई भी कारण मन में नहीं है। आदमी इस मामले में सबसे ज्यादा कमजोर। सदगुरु कबीर ने आदमी की विषयाशक्ति लंपड़ता को देख करके कहा, जैसे श्वान अपावन राजी त्यों लागी संसारी, जैसे कुत्ता सुखी हड्डी को देख करके खुश हो जाता है
उसमें एकदम आसक्त, उसी ऐसे ही आदमी विषय वासना में रात दिन डूबा रहता है। उससे हटने का नाम नहीं लेता, बल्कि और उसी के आग में जलता रहा। दिन दिन जड़ जलनी के पाओ गाड़े जान उमंगे काहो, कंधन दे मत्खरी कही करी कौन दो कौन भादी न तरी, अकर्म करो कर्म धावे, पड़ी को निवेश जगत पछतावे, जगत समझावे, सूचे पड़े अकारत जाई कहे कभी चेत चेत हो भाई। ये छप्पनवी रमैनी में साहब कहते हैं। ऐसा आदमी की क्रिया, आदमी के हाव भाव, आदमी की मनोवृत्ति को देखकर ऐसा लगता है कि दिन दिन उत्तरोत्तर जलनी जलाने वाली जो माया है, विषय वासना है, उसकी अधीनता में पड़ता चला जा रहा है। ऐसा लगता है मानो कि कोई से जबरदस्ती उसमें गाड़ रहा है। एक बार आदमी उसमें डूबा तो निकलने का नाम है न उमगे का हो, निकलने वाला कोई बिरला होता है। और वासना के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और चाहता है मुझे अच्छे कर्मों का फल मिले। वे शास्त्रों को भी पढ़ता है और वो समझाता है, लेकिन स्वयं अकर्मों का वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे लोगों को यहां से छूछे ही चला जाना पड़ेगा, खाली हाथ पछताते हुए विदा होना पड़ेगा। आदमी संयम कहां कर पाता है, ना आंख पर संयम, ना कान पर, ना नाक पर, ना जीभा पर, ना त्वचा पर, कहीं पर संयम नहीं है। यह भी होगा जो आदमी कोई हो, साधु हो, गृहस्थ हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, सबके लिए नियम बराबर। जो आदमी अपने नेत्रों पर और अपनी जीवा पर, स्वाद पर संयम नहीं कर सकता, वह आदमी पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। ये पक्की बात, मानी हुई बात है। ब्रह्मचर्य पालन करना, काम वासना पर संयम करना है तो नेत्र पर संयम करना पड़ेगा और स्वाद पर संयम करना पड़ेगा। स्वाद लोलू व्यक्ति काम वासना पर पूर्ण संयम नहीं कर सकता है, नियम है। लेकिन आदमी पर कहीं संयम नहीं है, रात दिन इंद्रों गुलाम बना है तो साहब को कहना पड़ा संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ लागे एक धोता एक नारी। रात दिन वासना और पांच ज्ञानेन्द्री उठ करके झगड़ा कर रहे हैं और न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवा दे, इनमें से कोई किसी का कहना नहीं मानते, सब अपने अपने विषय स्वाद के लिए लंपट, सबको अपना अपना भोजन चाहिए। साहब कहते कैसे ऐसे में कल्याण होगा जीव का, कैसे ये मनुष्य शांति से जीवन जी सकेगा। तो इसलिए यदि जीवन का लाभ लेना है, जीते जी पूर्ण शांत परमानंद का अनुभव करना है तो तन मन वचन पर पूर्ण संयम की आवश्यकता है। जितनी मात्रा में संयम उतनी मात्रा में शांत, उतनी मात्रा में कल्याण। शांति कल्याण प्रसन्नता का और कोई साधन है नहीं। निर्लिप्तवाद गलत, 68वां संदर्भ। बेईमानी हर क्षेत्र में अपना घर बना लेती है, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे भक्ति और वैराग और कर्म के क्षेत्र में हो। आदमी का मन ही खराब है
तो हर चीज को वह दूषित कर लेगा। और जिसका मन ठीक है वो हर चीज का सदुपयोग कर लेगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य आत्मकल्याण दुख निवृत्ति के ये तीन प्रबल साधन, लेकिन आदमी के मन की बेईमानी इतने तीनों को बिगाड़ डाला है। भक्ति क्या है? मन की कोमलता, हृदय का समर्पण, वो भी निर्मल जीवन, संत सद्गुरु सज्जन आत्मकल्याण के लिए। लेकिन भक्ति क्षेत्र में देखो, किसी पास आदमी टंट घन कर्मकांड में उलझ गया है, निर्जीव वस्तुओं को सजाने संवारने पूजने नहलाने धोने में लगा हुआ है, उसको और बढ़ाते बढ़ाते मान लिया कि भगवान हमारा पति है, हम पत्नी हैं, वहां भी और कैसे कैसे कुसंस्कार, सखी संप्रदाय, रसी संप्रदाय, माधुर भक्ति के नाम पर, गोपी भाव के नाम पर पूरा कुसंस्कार है वहां पर है। ऐसा लगता है कि आदमी भक्ति कर रहा है या वासना में डूबा हुआ है। पूरी बेईमानी भक्ति के नाम पर, रात करना, नाचना गाना, सदे करना, माना कि ये तो भगवान की भक्ति है, भक्ति के नाम पर ये बेईमानी, सारा दुराचार चल रहा है भक्ति के नाम पर। कितने लोग अपने को भगवान मान लिए, अब भगवान मान करके लोगों की भावना से खिलवाड़ करने लग गए। आदमी भी कमजोर, कोई कह दे मैं भगवान हूं, बस फिर टूट पड़ा उधर, विचारना कुछ नहीं। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में आचरण चरित्र की कोई बात नहीं, बस ज्ञान, मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, अजर मन अनासी आत्मा हूं, आत्मा निर्लेप निर्विकार कुटस, आत्मा में किसी प्रकार का विकार लग ही नहीं सकता। ऐसा ज्ञान हो गया फिर चाहे जैसा रहो, इंद्रियां जड़ है, शरीर हमारा जड़ है, आत्मा ब्रह्म तो चेतन है, मैं तो शरीर हूं नहीं, शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, जड़ शरीर, जड़ शरीर की इंद्रियां जड़, और जितने भोग हैं वो जड़, जड़ से जड़ का संबंध हो रहा है, मैं तो निर्लेप आत्मा हूं। ज्ञान के नाम पर भयंकर बेईमानी। गुना गुणे सुवर्तन्ते, ये गीता में कहा गया है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, मेरा उसमें क्या बिगड़ता है। इसलिए कहा गया भोगे युति सदा सन्यासी, ज्ञानी पुरुष पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, युति स्त्रियों का भोग करते हुए भी सदा सन्यासी है, बैरागवान है, भयंकर बेईमानी चल गई। क्योंकि जड़ शरीर से जड़ शरीर का मिलन हो रहा है, आत्मा उसमें क्या जाता है। भोगों विषय की त्यागों इंद्रिय मुको लगे न रंचक रंग, चाहे भोगों को भोगूं चाहे भोगों का त्याग करूं, मुझमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अच्छी बात, शरीर जड़, सारा पदार्थ जड़,
कि महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप तो आत्मा है, चेतन है, ब्रह्म है, कुटस्थ है, निर्विकार है, आप में तो कुछ लगता नहीं है, बैठा रहे लोहे का एक छड़ खूब गर्मा करके ले आए और शरीर में कतर मरा बैठे रहो, गुना गुने सुवर्तनते, गुनगुनों में बरत रहे हैं, जड़ शरीर से जैसे जड़ लोहे का संपर्क हो रहा है, आप बैठे रहो, आप तो आत्मा हो, तब पता चलेगा कि हाँ कि हाँ मैं आत्मा हूं कि चेतन हूं शरीर हूं। तो वहां पर तो कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन ज्ञान के नाम पर भयंकर बेईमानी, भयंकर बेईमानी चल रही है। आज बड़े बड़े सन्यासी हैं, युवती स्त्रियों को लेकर के घूम रहे हैं, अब सदगुरु कबीर ने कहा था सुंदरी ना सोहे सनकादिक के साथ का भूख दाग लगावे काड़ी हाड़ी हार, सनकादिकों के साथ विरक्तों के साथ सुंदरी युवती शोभा नहीं देती, काली हंडी हाथ में ले करके घूमते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो दाग जरूर लगाएगी। मन में वासना है, स्त्री के मन में पुरुष की वासना, पुरुष के मन में स्त्री की वासना, तो भले शरीर जड़ है, जीव चेतन है, लेकिन उसी प्रकार आचरण के व्यवहार की भी तो आवश्यकता है। तो ज्ञान के क्षेत्र में बेईमानी, ज्ञान होने पर चाहे जैसा करो, उदाहरण दिया गया कृष्णो भोगी सुखस्तु आप त्यागी निर्बोधनक राघव वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानी ना समा, कृष्ण भोगी थे, सुखदेव त्यागी थे, जनक और राम राजा थे, वशिष्ठ कर्मकांडी थे, लेकिन ये सब समान ज्ञानी थे क्योंकि सबको समान ब्रह्म का ज्ञान था। उदाहरण दे दिया गया, उदाहरण तो हर विषय के मिल जाएगा, हर चीज के उदाहरण मिल जाएगा, जैसा उदाहरण बनाना चाहो बना लो। ये कहा गया कि ज्ञानी पुरुष चाहे 100 अश्वमेध यज्ञ करे, चाहे करोड़ों हीरा का दान करे, और चाहे ज्ञानी पुरुष पूरे संसार को भर को लोगों को मार डाले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो निर्लेप आत्मा है, भयंकर ज्ञानी। यश नाहं कृतो भावो बुद्धि, यश नाहं कृतो भावो बुद्धि यश न लिप्यते हत्वा पिसा इमाम लोकान हंति न निबध्यते, ये गीता में कहा गया। यश नाहं कृतो भावो, जिसमें अहम बुद्धि नहीं है, जिसके भावना में अहंकार नहीं आता है, जिसके हृदय अहंकार नहीं है, और जिसकी बुद्धि कहीं लिपायमान नहीं होती, ऐसा आदमी पूरी दुनिया को भी मार डाले तो न उसने किसी को मारा और न वह कहीं बंधा। एक बार गुरुदेव जी कहा करते हैं ना, हनुमान प्रसाद पोद्दार से मुलाकात हुई थी गुरुदेव जी के, हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत अच्छे साधक थे, गृहस्थी में रहते हुए भी संत जैन, इसी प्रकार जयदयाल गोविंद का भी थे। गुरुदेव से मुलाकात हो रही थी तो ऐसे ज्ञान पर बात आई थी, तो उन्होंने भी कहा था पोद्दार जी ने साझा था कि यश नाहं कृतो भाव और बुद्धि यश न लिप्यते हत्वा पिसा इमाम लोकान हंति न निबध्यते, जिसकी बुद्धि में अहंकार नहीं है, जिसके हृदय में अहंकार नहीं, बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वह मार करके मार। तो गुरुदेव ने कहा ये तो महाराज ज्ञानियों के लिए पतन का कारण है, कोई कोई कहे
कि मैं ज्ञानी हूं, और ज्ञानी कहकर लोगों को मारने पीटने लग जाए, लोगों स्त्रियों से युवतियों से दुराचार करने लग जाए कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो मेरा मुझे अहंकार नहीं है, मुझे बुद्धि मेरी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, तो इस ज्ञान का दुरुपयोग करना होगा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कहा, तो जिसके मन में अहंकार नहीं होगा, जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होगी, और किसी को मारेगा क्यों क्यों, वो तो सब ऊपर उठ जाएगा। तो गुरुदेव जी ने पूछा, तो जिन्होंने मारा और मारा और मरवाया, उनको तो अहंकार था ना, समझदार तो थे, चुप, क्योंकि कृष्ण ने मरवाया था, अर्जुन ने मारा था, तो उनका अहंकार था फिर। तो ज्ञान क्षेत्र में ये बेईमानी चलती है। सदगुरु कबीर इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानते, लेकिन कबीर साहब के जमाने में भी ऐसे लोग थे जो ज्ञान के क्षेत्र में अपने को बड़े ज्ञानी मानकर कहते, हम तो निर्लेप आत्मा है, हमारा कुछ नहीं होता। साहब लोगों सावधान करते हैं, देखना ऐसे लोगों के पास मत जाना। फिर उन्होंने ये भी कहा है, शोक बंधावा जिन समके जाना, ताकि बात इंद्रो नहीं जाना। ये लोग लपती लौंग गने सारा, खाट फाक मुख फाके सारा, जैसी भी तैसी है नारी, रात पार सब गने उजारी। इन्हें लोगों के लिए कहा ना, ज्ञानी कहते हैं हम चाहे दीवार पर हाथ फेरे चाहे स्त्री के शरीर पर हाथ फेरे, दोनों बराबर है, दोनों जड़ है। चाहे शकर फाके चाहे धूल फाके, किसी ज्ञानी को शकर के बदले धूल फाके देखा गया है? कोई ज्ञानी दूध पीते समय शकर न डाल करके धूल डालकर पीते देखा गया? लेकिन कहते हैं दोनों बराबर है। जंगल हमारे जंगल और सिंहासन बराबर, ये केवल शब्दों में बराबर है, हकीकत में नहीं है। ऐसे तो उदाहरण देते हैं, बस अपने वासना की पूर्ति के लिए वासना का सेवन भी करते रहना चाहते हैं और ज्ञानी भी बने रहना चाहते हैं। इनके यहां सब धान सारे बात पेरी होता है। इले साहब ने कहा, लोगों के लिए था या मत पैठो, मत कोई पैठो धा, एक एक खेत रथ है बाघ गधे रह गाय। ऐसे ज्ञानी के यहां बाघ गधा और गाय एक एक खेत में एक साथ चल रहे हैं। अरे बाघ तो गधा और गाय को खा जाएगा, रक्षा कैसे होगी? इसलिए सावधानी की आवश्यकता है, ये काम नहीं बनेगा। मुद बिलाई एक साथ कहो कैसे रह जाए, चूहा और बिल्ली को एक साथ रख दो कहो के चूहा तो बहुत चूहा बिल्कुल अब सुरक्षित रहेगा, बिल्ली को हमने चूहा के रक्षा में बैठा दिया है, परिणाम क्या होगा? बिल्ली तो खाएगी चूहे को, वो रहेगी कैसे? इल्ला साहब कहते हैं, जैसा ज्ञान है वैसे आचरण की भी जरूरत है। आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है, वैसे ही व्यवहार में भी निर्विकार रहने की आवश्यकता है, सबसे अनासक्त रहने की आवश्यकता है। जब आचरण निर्विकार होगा, मन अनासक्त होगा, तब आत्मा निर्विकार है, अनासक्त है, यह कहना सार्थक होगा। नहीं तो आत्मा के निर्विकारता का गुण गाते रहेंगे और इंद्रिय मन के विकारों में पड़ करके नरक में डूबते भी चले जाएंगे। सदगुरु कबीर सावधान करते हैं, सावधान रहो, जैसा तुम्हारा स्वरूप निर्मल निर्विकार, वैसे जीवन को मन इंद्रियों को भी निर्मल और निर्विकार बना करके रहो, ये कल्याण का रास्ता है। बस।